हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चुभती घमोरियों से पाएं 10 मिनट में छुटकारा। आइए जानते हैं इसके बारे में। गर्मियों में घमोरियों का हो जाना एक आम समस्या है। ये हमारे शरीर में पसीने के कारण हो जाती है। घमोरियाँ ज़्यादातर गर्दन, कमर और अंडर आर्म्स के आसपास निकलती है। घमोरियाँ हो जाने पर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा खारिश होती है और ये चुभती भी बहुत है, जिससे हमारी बॉडी पर रेडनेस हो जाती है। घमोरियों से बचने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ उपाय, जिससे आप घमोरियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला, खीरा और नींबू। एक गिलास पानी में नींबू निचोड़ दें और उसमें खीरे की एक स्लाइस को कुछ देर के लिए भिगो दें। फिर खीरे की स्लाइस को घमोरियों पर 10 मिनट के लिए रब करें। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी और आपकी घमोरियाँ भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। नंबर 2, एलोवेरा जेल। एक चम्मच एलोवेरा जेल को घमोरियों पर लगाएं और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 10 मिनट के बाद इसे ठंडे पानी से वॉश कर लें। इसे आप दिन में 3 बार करें। नंबर 3, बेकिंग सोडा। घमोरियों को ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा भी एक कारगर औषधि है। 5 चम्मच पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडे की मिलाकर घमोरियों पर लगाने से घमोरियाँ बहुत जल्द ठीक हो जाती हैं। इस उपाय को आप दिन में 2 बार जरूर करें। नंबर 4, नीम के पत्ते। नीम के पत्तियों को 1 ग्लास पानी में उबालकर घमोरियों पर लगाएं और 20 मिनट बाद नहा लें। इस उपाय को आप रोज कर सकते हैं। नंबर 5, नारियल का तेल और कपूर। एक चम्मच नारियल का तेल लें और इसमें कपूर मिलाकर घमोरियों पर लगाएं और 20 मिनट के बाद धो लें। इससे आपको घमोरियों से बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा। नंबर 6, मुल्तानी मिट्टी। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी को थोड़े से पानी में भिगो कर रखें और थोड़ी देर बाद इसका पेस्ट बनाकर घमोरियाँ वाले जगह पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें। इससे आपको ठंडक मिलेगी और घमोरियाँ जैसे स्किन प्रॉब्लम से भी राहत मिलेगी। नंबर 7, ऑलिव ऑयल और शहद। एक चम्मच ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा शहद मिक्स करके घमोरियों पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें। ऐसा रोज दिन में 2 बार करें। नंबर 8, आइस क्यूब। एक प्लास्टिक बैग में आइस क्यूब को डालकर घमोरियों पर 10 मिनट के लिए धीरे धीरे रब करें। ऐसा करने से आपको जलन नहीं होगी तथा आइस क्यूब आपको ठंडक देगी, जिससे आपको घमोरियों जैसी परेशानियों से राहत मिलेगी। नंबर 9, एप्पल साइडर विनेगर। कॉटन लेकर उस पर एप्पल साइडर विनेगर लगाकर घमोरियों पर लगाएं और 20 मिनट के बाद पानी से धो लें। इस उपाय को आप दिन में 2 बार करें। नंबर 10, चंदन पाउडर और रोज वाटर। एक चम्मच चंदन पाउडर को आधा चम्मच गुलाब जल में मिलाकर एक पेस्ट बना लें और इसको घमोरियों पर लगाएं और घमोरियों से छुटकारा पाएं। तो दोस्तों, ये थी कुछ उपाय जिससे आप घमोरियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।